Hello learners, I am Poonam Rajesh Shinde from CKT College, and today we are going to discuss our SY BCom Financial Accounting and Auditing paper, that is Introduction to Auditing, that is paper number 6. So firstly we'll discuss first syllabus of auditing. So these are the 4 modules which you supposed to be learn in your 4th semester, that is Introduction to Auditing, Audit Planning, Procedure and Documentation, Audit Techniques and Internal Audit Introduction, then Auditing Techniques and Vouching and Verification. These are the 4 chapters we are going to learn in semester 4. This is a deep syllabus of your subject auditing. First, that is introduction. We'll start with the introduction to auditing. In that, you have to learn basic, that is financial statements, user of information, definition of auditing, objectives of auditing, etc., etc. So this is what your syllabus of auditing. You're supposed to be learn this syllabus for your semester 4. Now we'll start for auditing. So what is auditing? Before that, I wanted to give a brief about why auditing is necessary. This fraud, okay. So auditor basically made to dictate in any fraud in your company. Agar company mein koi bhi fraud ho raha hai ya phir government mein kahin pe bhi kuch fraud ho raha hai, to usko dictate karne ke liye jo hai auditor bana hai, right? maybe in India, have you heard this word scam? Okay, so scam means what? Where the scams happen? Scams happens in a company, in institutions, in government, and in a lot of, there are areas where scams can be happen, right? So we'll discuss with the scam. Do you know about this Harshad Mehta and the stock market scam? This this come into front of whole country in 1992. This scam was around 3,500 crores, right? ये एक बहुत बड़ा scam था अपने Indian stock market में, और इसी के चलते आगे SEBI बना. और SEBI क्या है? This is a security. ओके, एक सिक्योरिटी देता है किसको? इन्वेस्टर्स को, राइट? सो ये जो स्कैम हुआ था, इसमें जितना भी पैसा, व्हाट एवर द मनी ही टेकन, राइट, दिस मनी बिलोंग्स टू द पब्लिक, राइट? सो नेक्स्ट स्कैम वाज केतन पारेख स्कैम. दिस इज आल्सो अगेन द स्टॉक मार्केट स्कैम. इसका जो अमाउंट है करीबन ये भी कुछ 3,000 के आसपास ही था, राइट? सो ये स्कैम्स जो होते, इसमें ये क्या करता था, दिस पर्सन, ये मोस्टली कोलकाता का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे इसने ये किया था. इसने क्या किया था, ये जो कंपनीज के शेयर्स के प्राइजेस है ये अप करता था, राइट? मतलब इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, दिस डन बाय हिम. ये क्या करता था, स्टॉक के जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा हाई करता था और वो सेल कर देता था, एंड लेटर ऑन द गेम इज ओवर, मतलब वापस से वो शेयर नीचे आ जाता था, राइट? सो दिस स्कैम ऑल्सो डन. आफ्टर दैट नीरव मोदी, ये 2011-2018 के बीच में हुआ था, अराउंड 11,000 करोड़ रुपीज स्कैम. और ये स्कैम जो हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, सबको पता है ये. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑडिटिंग, द सत्यम सागा. एक कंपनी के दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ था वो था सत्यम सागा का स्कैम, सत्यम कंप्यूटर्स, राइट? ये स्कैम जो है करीबन 2006 से स्टार्ट हुआ था, इसका जर्नी 2018 तक है. इसमें क्या किया था, ये जो मिस्टर राजू करके था, मतलब वो कंपनी का ओनर सत्यम कंप्यूटर का, उसने क्या किया था, अपने कंपनी इसके जो शेयर्स हैं उसकी प्राइस जो है बहुत बढ़ा दी थी, जबकि इन लोग को प्रॉफिट नहीं होता था. ओके, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनी अर्निंग प्रॉफिट, राइट? ये फेक प्रॉफिट था. और आगे चल के 2006 और 2007 में ये जो सत्यम कंप्यूटर का स्कैम है ये बाहर आया था. अगेन द सेम थिंग, इसका जो नुकसान है ये किसको भरना पड़ा था, इसका जो नुकसान है ये जो कॉमन पब्लिक है, ओके, उनको सहना पड़ा था, जिन लोगों ने उसके शेयर्स खरीदे थे उनको ये जो
इसका नुकसान उठाना पड़ा था, राइट। आफ्टर दैट 2007 एंड 8 में श्रीनिवास सैल्यू टेक ओवर द एंगेजमेंट पार्टनर्स ऑफ द पीडब्ल्यू। अभी इसका जो स्टोरी है, ये सत्यम जो राजू करके ओनर का नाम था, दिस होल स्कैम वॉज हैपनिंग, राइट। इसमें प्रॉफिट तो था नहीं, राइट, फिर भी कंपनी प्रॉफिट दिखाए जा रही थी, उनका शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा था, राइट। तो ये स्कैम में भी बहुत सारे नुकसान हो गया आगे चल के लोगों को। देन दीज आर सम ऑफ द अदर स्कैम्स इन इंडिया, दैट इज 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, ABG शिपयार्ड बैंक स्कैम, द कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, ये भी बहुत एक बड़ा था, बोफोर्स स्कैम्स, द हवाला स्कैम, स्टैम्प पेपर स्कैम। अभी रिसेंटली ही 2003 का जो ये स्टैम्प पेपर घोटाला है, इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी है। दिस स्कैम वॉज अराउंड 30,000 करोड़ रुपीज, राइट। नाउ यू विल मस्ट बी वरी कि वाई मैम इज टेलिंग अबाउट ऑल दिस स्कैम इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। सो वेर आई सपोज टू बी, दिस इज वेरी मच रिलेटेड, ओके, क्योंकि स्कैम जो होते हैं और ऑडिटिंग, ये बहुत ही रिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि ऑडिटर का काम ही होता है कि ये स्कैम्स ना हो, ओके, ये स्कैम्स ना हो, इसके लिए अगर कुछ बना है तो वो बना है ऑडिटर, राइट। सो दैट्स वाई आई वॉज डिस्कसिंग द स्कैम्स हैपन इन आवर कंट्री। अगर ये जो जितने भी स्कैम्स थे, इसमें अगर एक भी ऑडिटर अपना ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करता, तो ये जो स्कैम्स से नहीं होते थे, राइट। और आगे चल के जो स्कैम्स ये बाहर आए हैं, ये सत्यम कंप्यूटर का या फिर और भी कहीं स्कैम्स है, ये ऑडिटर के वजह से ही दुनिया के सामने आ पाए, राइट। सो ऑडिटर एक ऐसा पर्सन रहता है जो कंपनी में या गवर्नमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्कैम होने से रोक सकता है, तो वो पर्सन होता है ऑडिटर। बिकॉज उसको ये ड्यूटी दिया है कि आप चेक करो जो भी यहाँ पे हो रहा है। कंपनी है तो कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उनके जो भी ट्रांजेक्शन है, आप चेक करो। किसको बोल रहे हैं? ऑडिटर को। यू चेक दैट थरोली एंड टेल अस वेदर दैट कंपनी इज रियली डूइंग गुड और नॉट, राइट। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर। ऑडिटर के शोल्डर पे एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो पता करे कि वो कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दैट टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन शोल्डर ऑफ द ऑडिटर, राइट। सो दैट वाई आई वॉज डिस्कसिंग ऑल दिस स्कैम। अगर ये सब स्कैम्स नहीं होते, अगर ऑडिटिंग ठीक से होता था, राइट, ऑडिटिंग अगर ठीक से होता, तो ये सब स्कैम पकड़े तो गए हैं, लेकिन और जल्दी पकड़े जाते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे, ये जो सत्यम कंप्यूटर का स्कैम था, दिस वन, ओके, ये 2006 में सामने आया, ओके। PwC एक बहुत बड़ी ऑडिटिंग की कंपनी है, उसका ऑडिटर था। वो ऑडिटर को क्या समझ में नहीं आया कि यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, राइट। आफ्टर दैट जो भी ऑडिटिंग फर्म इनका ऑडिट करते थे, उनको पेनल्टी भी बैठाया था, राइट। बट इट इज़ लेटर ऑन, बट ड्यूरिंग दैट होल स्कैम, ओके, क्या ये रोका नहीं जा सकता था? रोका जा सकता था, राइट। सो दैट वाइज द ऑडिटिंग इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट फ्रॉड। दीज आर अ फ्यू फर्म्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की दुनिया के ये बादशाह है, राइट। मतलब ये जो फर्म्स है, ये ऑडिटिंग में बहुत ही बेहतर काम करते हैं। मतलब जो भी CA है, जो यहाँ पे जाके काम करना एक उनका ख्वाहिश रहता है। सो KPMG, PwC, EY, Deloitte, RSM, Nexia, BDO, all these are topest firms of auditing. ओके, यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल के जो CAs रहते हैं, वो काम करते हैं।
और इनके पास बहुत ही बड़े बड़ी कंपनीज का जो है ऑडिट करने के लिए इनके पास आता है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो वो लोग इनके पास जाते हैं। इतनी बड़ी ये कंपनीज है, इतनी बड़ी ये फर्म्स है, जहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, लोगों को जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका ऑडिटिंग करके देती है, राइट। जैसे PwC है, इन्होंने ही किया था सत्यम कंप्यूटर का ऑडिट, राइट। सो इन अ नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू विद द बेसिक टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग। अभी नेक्स्ट सेशन से हम लोग ऑडिट की दुनिया में जाएंगे, राइट, और ऑडिट को और बेहतर तरीके से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।